हाय गाइस, मैं हूं मिनी। एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे गैजेट्स लाई हूं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इन गैजेट्स को एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, जिन्हें आप अपनी स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, और हाँ, मेरे इस चैनल टेक विद मिनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो फिर चलो दोस्तों, हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। सी पेन रीडर। फ्रेंड्स, हम हमारी स्टडीज में कुछ ट्रेडिशनल पेन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये पेन उनसे थोड़ा सा अलग है। ये एक इंक पेन नहीं है, बल्कि एक स्कैनिंग पेन है। इसके आगे की तरफ एक स्कैनर लगा हुआ होता है, जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या बुक को स्कैन कर सकते हैं। इस पेन पर छोटी सी एक स्क्रीन लगाई होती है, यानी कि स्कैन किया हुआ कंटेंट आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगा। साथ ही में आप इस पेन को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप किसी भी मीनिंग को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ये आपकी नोट्स और बुक्स को टेक्स्ट और वॉइस में चेंज कर सकता है, जिसकी मदद से आप अपनी बुक्स को बड़ी ही आसानी से ऑडियो में चेंज कर सकते हैं। साथ ही इस पेन में एक 3.5 mm चेक होता है, जिससे आप ऑडियो सुन सकते हैं। T184 प्लस ग्राफिक कैलकुलेटर। सो आपने कैलकुलेटर्स तो काफ़ी सारे देखे होंगे, और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग तो यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन आप कहीं भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को देख नहीं पाते। लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरह के कैलकुलेटर को ट्राई करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अलग डिस्प्ले दिखाई देगी, जहाँ आपको सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में मिलेगा। वहीं पर इसकी डिस्प्ले की वजह से चीज़ों को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस गैजेट को खरीदना चाहते हो तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पोलरॉइड इंस्टेंट प्रिंटर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को अक्सर छोटी छोटी पिक्चर्स को प्रिंट करने की प्रॉब्लम्स होती है, जिसके लिए उन्हें कैफे के काफ़ी सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स चाहें तो इस तरह के गैजेट को ट्राई कर सकते हैं, जो उनकी पिक्चर्स को प्रिंट करने का काम आसान करता है, जिसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल मिलता है, जिससे आप इसको इनपुट दे सकते हैं। और इस प्रिंटर की साइज इतनी छोटी है कि आप इसे अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रिंटर स्टूडेंट्स को काफी मजेदार लगने वाला है। थ्री डूडलर 3D प्रिंटिंग पेन। सो गाइस, 3D प्रिंटिंग काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, जिसके लिए 3D प्रिंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे प्रिंटर्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं और इनकी साइज भी बड़ी होती है। तो अगर आप चाहते हो तो इस तरह की पेन को यूज़ कर सकते हो, जो कि लगभग एक मार्कर की साइज का होता है, जिसे आप 3D आर्ट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस पेन में मल्टी कलर ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे आपको जिस भी कलर का प्रिंटिंग बनाना है तो उसे आप उस कलर में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको भी ऐसे 3D मॉडल्स अच्छे लगते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थिंक इंक पेन। जब भी आप अकेले होते हैं और किसी गहरी सोच में होते हैं, तो अपनी आसपास रखी चीजों से खेलना शुरू कर देते हैं।
तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो अपने साथ इस पेन को कैरी कर सकते हैं, जिसकी खास बात ये होती है कि इस पेन की बॉडी मेटालिक होती है और ऊपरी हिस्सा मैग्नेटिक होता है, जिससे कि उसकी ऊपर की तरफ दी गई बॉल को घुमाकर आप अलग अलग तरह की डिजाइन बना सकते हैं। तो अगर आप किसी को ये पेन गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये पेन एक डिफरेंट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आईरिस स्कैन बुक स्कैनर। दोस्तों, आप वैसे तो नॉर्मली किसी भी पेज को स्कैन करने के लिए स्कैनर्स का यूज करते हैं, लेकिन वो स्कैनर साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, आप उन्हें कहीं भी इजीली कैरी नहीं कर सकते। तो आप चाहे तो इस तरह के आईरिस स्कैन बुक स्कैनर को ट्राई कर सकते हैं, जो खास तौर पर पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। इस स्कैनर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट और बुक को बड़ी ही आसानी से स्कैन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ये आपके स्मार्टफोन पर सेंड कर देता है। इसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दिखाई देगी जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है। तो अगर आप भी इस स्कैनर को परचेज करना चाहते हो तो ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से खरीद सकते हो। ज़ीब्रा डी गार्ड मैकेनिकल पेंसिल। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कुछ छोटी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे कि पेंसिल, जिसका यूज़ हम ना तो सिर्फ हमारी नोट्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं, बल्कि आर्ट और डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है। दोस्तों, आपने लीड लाइन पेंसिल तो यूज़ की होगी, लेकिन उस पेंसिल की प्रॉब्लम ये होती है कि जिसकी लीड हर बार टूट जाती है, तो ये डी गार्ड पेंसिल आपकी इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। नॉर्मल लीड पेंसिल में सिंगल स्प्रिंग का यूज़ होता है, लेकिन डी गार्ड पेंसिल में दो स्प्रिंग लगी होती है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रेशर को मेंटेन करती है। तो फ्रेंड्स, इस पेंसिल को खरीद कर आप अपनी राइटिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। रॉकेट बुक एवरलास्ट। हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेज में काफ़ी सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें रजिस्टर और डायरी की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे काफ़ी सारा नोट तैयार हो जाता है जिसे आपको अपनी बैग में रखना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे पास है आपके लिए सॉल्यूशन, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे नोट्स को एक साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये बुक रीयूजेबल बुक है, जिसे आप अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके पेपर को कुछ इस तरह से बनाया गया है जिसपे आप कोई भी इंक से लिख सकते हैं, साथ ही आप इसे इसके ऑफिशियल ऐप से स्कैन कर सकते हैं, तो ये क्लाउड स्टोरेज में खुद ही स्टोर हो जाता है और आप जब चाहे तब इसकी इंक को इरेज कर सकते हैं। इकोशो। एजुकेशन में लर्निंग हैबिट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ऐसे में हम चीज़ों को समझते हैं फिर उन्हें याद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मीडियम दिखाने जा रही हूँ जिससे कि आप बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। नॉर्मली आपने अमेजोन एलेक्सा का नाम तो सुना ही होगा, इसे बेसिकली एक होम असिस्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अपने एजुकेशन पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 15,000 प्लस स्किल्स होती है, जिसकी मदद से आप इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, साथ ही किसी भी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाएंगे। इसकी स्क्रीन पे आप इसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ये गैजेट आपको डेली न्यूज़ और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकता है, तो इस अमेजिंग गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। एयर बार। आजकल स्टडीज में लैपटॉप और कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये गैजेट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट और वर्क होते हैं
जिन्हें आपको अपने कंप्यूटर पर पूरा करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हें माउस की हेल्प से बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप इस एयर बार का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लैपटॉप और कंप्यूटर को एक टच स्क्रीन कंप्यूटर में चेंज कर देता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पर आसानी से काम कर पाएंगे। इस गैजेट को स्पेशली विंडोज 10 और मैकबुक के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको कोई गैजेट पसंद आया है तो आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।